जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। इस टाइम हम मौजूद हैं NA-61 PP-15 और वार्ड नंबर 9 के एरिया में। यहाँ पे PTI टाइगर्स के कैंप लगाया हुआ है। तो जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिन्होंने स्टार्ट किया है, वो टीम हमारे साथ है। सबसे पहले मैं माजिद सरवर साहब से पूछता हूँ, जो इस इलाके में PTI के बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम। जी माजिद, मुझे बताएं कि आपने ये जो आज कैंप लगाया है, बड़ी कोशिशों से और बड़े अच्छा ऑर्गेनाइज किया, इसका क्या मकसद है? ये इमरान खान साहब कप्तान की कॉल आई है, हमारे PP-15 कप्तान है कैसर खान साहब, उन्होंने हमें बोला जी PP-15 में तंजीम शादी करनी है। तो उन्होंने फिर मुझे सिलेक्ट किया कि वार्ड 9 में आप तंजीम शादी कराएंगे। फिर मैंने अपने वार्ड के लोगों को इकट्ठा किया, कुछ मेरे वार्ड के, कुछ PP-10 के मैंने इकट्ठे करके फिर मैंने वार्ड 9 में तंजीम शादी के लिए कैंप लगाया। तो इमरान भाई मेरे साथ थे, सारे सिस्टम में इमरान भाई मेरे साथ थे। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा पब्लिक का, क्या टाइगर्स की एंट्रियाँ हो रही हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तकरीबन सारे हल्कों में से बेहतरीन जा रहा है वार्ड 9 इस वक्त, और बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना आ रही है सब। जी हमारे साथ इमरान नसीर साहब भी हैं, जो इस इलाके के PTI के पुराने वर्कर हैं और इस वार्ड 9 के ज़कात कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि आज का जो इन्होंने कैंप लगाया है, इस हवाले से क्या समझते हैं कि इस टाइगर्स की एंट्री करने से PTI को क्या फ़ायदा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्से से ये बात कहूँगा कि जो कैंप लगाया है माजिद सरवर ने यहाँ पे और कैसर खान के हवाले से, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल रहा है, लोगों का आउटपुट बहुत अच्छा रहा है। हम 2 बजे से यहाँ बैठे हुए और लोगों की एंट्रियाँ कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा डाटा रिकवर किया हमने खान साहब के टाइगर्स के हवाले से, बहुत अच्छा वर्क चल रहा है इसमें। क्या समझते हैं कि कल आने वाली कॉल लॉन्ग मार्च की या धरने की या कोई ऐसी स्ट्राइक की होगी, तो ये जो आपने एंट्रियाँ की हैं, ये लोग क्या शामिल होंगे? जी बिल्कुल शामिल होंगे, ये वो लोग हैं जो खान साहब से पिछले 26-27 साल से खान साहब के साथ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इन चोरों डाकुओं को हटाने के लिए हम लोग खान साहब के पीछे हैं और पूरी फोर्स के साथ हम लोग चलेंगे आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर अपना तारीफ करा दे वैसे तो आप। जी मेरा नाम तारिक नियाजी है जी, मैं वार्ड 10 PP-15 से हूँ जी, और इमरान खान साहब के टाइगर हूँ जी। तो वेलकम वार्ड 9 में आप आए टाइगर्स का साथ देने के लिए, क्या आप अपने वार्ड 10 में भी कोई ऐसा कैंप लगा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि माजिद भाई को पता है हमने वार्ड 10 में ऑलरेडी लगाया है नसीराबाद में, बहुत बड़ा कैंप था हमारा और बड़ी अच्छी गैदरिंग की अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज माजिद भाई ने दावत दी है यहाँ पे वार्ड 9 में, और यहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कैंपेन हो रही है, और इंशाल्लाह हम यूज़ नहीं करेंगे और ये सब लोग खान के साथ हैं इंशाल्लाह। तो खान के लिए टाइगर्स तैयार कर रहे हैं आप? जी माशाल्लाह से काफ़ी लोग आ रहे हैं, हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, डेटा भी हम माशाल्लाह रिकवर कर रहे हैं, और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं हमारे पास इंशाल्लाह, और यही लोग हमारे पक्के टाइगर होंगे, और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च में हम इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मायूस तो नहीं करेंगे ये टाइगर्स? नहीं इंशाल्लाह ज़रूर, बल्कि इससे बढ़ के लोग आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जो जैसे कि आपको पहले मालूम है कि हम NA-61 PP-15 के एरिए में है, वार्ड नंबर 9। यहाँ पे PTI टाइगर्स का कैंप लगा हुआ है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो हमारे साथ वार्ड 10 के कप्तान, यहाँ पे टाइगर्स के हर एरिए में एक कप्तान बना रहे हैं, और कप्तान के नीचे वाइस कैप्टन और पूरी टीम, जो ये कल टीम PTI के साथ होगी और काम करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। आप PP-10 के कप्तान हैं, पहले अपना तारफ़ करा दें आप PTI के हवाले से, PP-10 में आपकी क्या? जी हमीद अब्बासी नाम है मेरा जी। तो इंशाल्लाह हमने कैंप लगाया था वार्ड 10 में नसीराबाद में, और अच्छा कैंप हुआ है, अच्छी गैदरिंग हुई है। इंशाल्लाह इमरान टाइगर में जोग बजोग लोग आ रहे हैं, और इंशाल्लाह साथ भी देंगे खान साहब का, और हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ हैं। जब उन्होंने कॉल दी तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे, भरपूर तरीके से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आज आप वार्ड 9 में आए हैं, तो यहाँ पे कैसा रिस्पांस आप देख रहे हैं? जी जी माशाल्लाह यहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, ये 2 बजे का कैंप लगा हुआ है और जोग पर जोग लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि जो आपने आप वार्ड 10 के कप्तान हैं,
तो आपके नीचे टीम कैसी बनी है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है और सब मुखलस यार दोस्त हैं, इंशाल्लाह चलने वाले हैं। और खान साहब की कॉल पे हर बंदा अल्लाह बैक कर रहा है कि इंशाल्लाह निकलेंगे। जब खान साहब ने कॉल दी तो सब इंशाल्लाह निकलेंगे और भरपूर तरीके से निकलेंगे और आवाम काफ़ी जोश व जोश से निकलेगी इंशाल्लाह। वैसे खान साहब रावलपिंडी टाइगर से थोड़ा सा मायूस थे क्योंकि रावल पार्क में जो प्रोग्राम हुआ उसमें उन्होंने कहा कि मैं टाइगर से मायूस हूं, तो अब खान साहब को टाइगर से आप लोग मायूस तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं इंशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो रहा है, पहले से अब काफ़ी इंशाल्लाह बेहतर है। जो टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, एंट्री करवा रहे हैं लोग, इंशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हो गया इंशाल्लाह और निकलेंगे इंशाल्लाह खान साहब की कॉल पर। कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मजाक हुआ है, उसके बारे में क्या कहते हैं कि खान साहब की नैली का? असल बस क्या करें, इन्होंने ऐसी चप्पल मार दिया ना, कुछ भी नहीं है, घड़ी का है, वो क्या है, कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो थे हुक्मरान गाड़ियां ले गए हैं, बहुत कुछ ले गए हैं, ये तो एक मामूली सा किया था बस खान साहब को वो बदनाम करने के चक्कर में, और कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सरखरू होंगे खान साहब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू, मेहरबानी भाई।